नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़, मैं आपके साथ सोनू। सतना के सिविल लाइन चौराहे पर शाम को राहगीरों के बीच उस वक्त भगदड़ मच गई जब एक तेज रफ्तार कार सवार चालक ने गाय, ऑटो, सब्जी ठेला और सब्जी बेचने वाली महिला को टक्कर मारते हुए कार को लेकर एक दुकान में घुस गया। इस घटना में दो महिलाएं घायल हो गई हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और कार भी अपने कब्जे में ले ली है। कार सवार नशे में धुत बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कार में सवार आरोपी युवक नशे में धुत था। उसका एक अन्य साथी भी कार में मौजूद था। दोनों लोग भोपाल जाने के लिए निकले थे। जैसे ही कार सिविल लाइन इलाके में पहुंची तभी कार चला रहे सौरभ सिंह नामक युवक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक कार चलाई और पहले गाय को टक्कर मारी, उसके बाद हाथ ठेला और सब्जी बेच रही एक महिला को टक्कर मारकर कार लेकर दुकान में घुस गया। इस घटना से सड़क पर भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। आप जाओ, आप सब जाओ।